नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं एक नए विषय को लेकर, जिसका नाम है विदेश योग, विदेश यात्रा के योग, या कहें तो विदेश में सेटलमेंट के योग। बहुत सारे हमारे दर्शक मेरे से पूछा करते हैं कि सर, और कुछ वीडियो विदेश योग के बारे में बनाइए। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम अपने पुराने दर्शकों श्रोताओं से बोलना चाहते हैं कि यदि वो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य करें, साथ में लाइक और शेयर करना कदापि ना भूलें दोस्तों। उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी जानकारियां आपको साझा करने को। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं विदेश के योग। मैंने पिछले भी 4-5 वीडियो इस टॉपिक में बनाया हुआ है। अब बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े भी हैं और हमसे सवाल भी पूछा, और हमने उसके सवालों का जवाब दिया भी है देर सवेर, लेकिन मैं सवालों का जवाब अवश्य देता हूं दोस्तों। लेकिन आपसे ये गुजारिश है दोस्तों कि कृपया आप हमारे चैनल को लास्ट तक, अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा किस प्रकार हमारे कुंडली में ग्रहों के योग हमें ये सारे योग बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदेश यात्रा के योग, विदेश में सेटलमेंट के योग, विदेश में बसना, दूर देश की यात्रा, बहुत सारे नाम इसके हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हमारे भारत वर्ष में हर 2 में से एक युवक युवतियां विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का स्वप्न देखते हैं। विदेश जाने, काम करने, पैसे कमाने का क्रेज हमारे पंजाबी युवक युवतियों में, मारवाड़ी भाई बहनों में, दक्षिण भारतीय खासकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना के युवाओं में ज्यादा है। आजकल तो हम अपने भारतवर्ष के हर छोटे बड़े प्रांत के युवक युवतियों का भी एक स्वप्न होता है कि वो विदेश जाएं, विदेश में जाके नौकरी करें, पैसे कमाएं, अपने परिवार का लालन पालन करें। लेकिन बहुत सारे युवक युवतियों का स्वप्न स्वप्न नहीं रह पाता है, वो किसी कारणवश विदेश नहीं जा पाते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक कारण कुंडली भी होता है। क्या हमारी कुंडली में विदेश की यात्रा का योग बताता है? क्या हमारी कुंडली में विदेश का बसना, विदेश में बसना का योग बताता है? कभी कभी यह योग बनते तो हैं, लेकिन हमारे कुंडली में यह दर्शाता है कि या तो यह योग निकल जाते हैं या यह बहुत सालों के बाद आते हैं। यही सब चीजों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और आज हम आपको 2 महत्वपूर्ण योग के बारे में बताएंगे। यदि यह 2 महत्वपूर्ण योग आपके कुंडली में है और यदि उसकी दशा आने वाली है या चल रही है, तो आप अवश्य विदेश की यात्रा करेंगे, विदेश भ्रमण करेंगे, विदेश में बस सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 3 घर यात्रा को दर्शाता है, 3रा घर, 9वां घर और 12वां घर। 3रा घर छोटी मोटी दूरी की यात्रा को बताता है, 9वां घर दूर देश लंबी दूरी की यात्रा को बताता है, और 12वां घर के तो बहुत सारे कार्यकत्व हैं, उनमें से एक विदेश में बसना भी एक कार्यकत्व है, जो पहले के जमाने में इसे खराब माना जाता था, लेकिन आज वही विदेश में बसना बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, वैसे 2 महत्वपूर्ण सूत्र क्या है हमारी कुंडली में, जिससे हम जान सकेंगे कि हम विदेश की यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, या विदेश में बसेंगे कि नहीं बसेंगे। पहला सूत्र अच्छी तरह से सुने और हो सके तो कॉपी में नोट कर लें। हमारे कुंडली के 12वां घर में कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी कौन है? यदि 12वें घर की राशि के स्वामी यदि हमारे 9वें घर 9th हाउस में स्थित रहते हैं, तो यह विदेश योग को दर्शाता है, विदेश यात्रा के योग को दर्शाता है।
या नौवे घर में जो राशि है उसके स्वामी यदि बारहवें घर में है तो यह भी विदेश यात्रा के योग को दर्शाता है। अब दूसरा सूत्र सुनिए, यदि नौवे घर के स्वामी हमारे कुंडली में यदि चौथे घर में चतुर्थ घर फोर्थ हाउस में स्थित हो, साथ में यदि लग्नेश भी वहां बैठा हो तो यह विदेश में बसना बताता है, विदेश में सेटलमेंट बताता है आपको। हम यहां एक कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार इस व्यक्ति की कुंडली हमें विदेश यात्रा विदेश में बसना बताता है। आप देख सकते हैं कुंडली आ रही होगी स्क्रीन पर, ये कर्क लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि है तुला राशि है और आप यहां देख सकते हैं कि चौथे घर में चंद्रमा और गुरु बैठे हुए हैं, नौवे घर में सूर्य बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, दसवें घर में मंगल और शनि बैठे हुए हैं। तो ये व्यक्ति बहुत ही विद्वान है, संस्कृति कला दर्शन शास्त्र से लेकर तंत्र मंत्र यंत्र तक में निपुण है। यह व्यक्ति बुध की दशा और गुरु की अंतरदशा में विदेश गया और वहीं जाके वो बस गया। तो ये देखिए कितनी शक्तिशाली योग बन रहे हैं, आप इस कुंडली से समझें। नौवें घर में देखिएगा आपको 12 नंबर लिखी हुई है, 12 नंबर अर्थात मीन राशि, उसके स्वामी कौन होते हैं, गुरु होते हैं। वो देखिए कहां बैठे हैं, चौथे घर में बैठे हुए हैं, साथ में लग्नेश बैठे हुए हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा लग्नेश भी बैठे हुए हैं चौथे घर में। तो ये क्या बता रहा है, हमें विदेश में बसना बता रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि बारहवें का जो स्वामी है अर्थात धन मिथुन राशि, उसके स्वामी कौन, बुध होते हैं, वो जाके नौवें घर में बैठे हुए हैं। तो ये विदेश यात्रा का योग बताता है। इसमें और भी देखिए बहुत सारे योग हैं। चौथा घर कौन सा है, 7 नंबर लिखा हुआ, तुला राशि, इसका स्वामी कौन होते हैं, शुक्र होते हैं, वो देखिए कहां, नौवे घर में बैठे हुए। तो क्या बताता है कि विदेश में इनका अपना घर होगा। तीसरा घर कौन सी होगी आपको, कन्या राशि हो गई, उसके स्वामी कौन, बुध हो गए, वो कहां बैठे हुए हैं, जाके देखिए नौवे घर में बैठे हुए हैं। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि लोगों से इनका डी अचेटमेंट होगा, अर्थात चौथे घर का 12वां घर तीसरा घर होता है, मतलब वो अपने लोग से अपने परिवार से अपने मातृभूमि से दूर रहेंगे बसेंगे। उसी प्रकार देखिएगा दूसरा घर जो धन भाव कहलाता है, उसमें 5 नंबर लिखी हुई जो सिंह राशि होती है, उसका स्वामी कौन, सूर्य होते हैं, वो भी जाके नौवे घर में बैठे हुए हैं, अर्थात ये विदेश में धन कमाएंगे, बहुत धनी होंगे। इसी प्रकार हम लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं ग्रहों की स्थिति, देखा जाता है कि क्या ग्रह की स्थिति हमारे इस योग के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, यदि बता रहे हैं तो कब जाएंगे विदेश हम। इस प्रकार आप लोग भी अपनी कुंडली को देखें, तीसरे घर नौवे घर बारहवें घर को देखें, साथ में चौथे घर को देखें, यदि किसी प्रकार संबंध बन रहा है, दृष्टि हो रही है, युति बन रही है तो आप अवश्य विदेश जाएंगे, आप अवश्य विदेश में सेटल होंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, यदि अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।